प्रॉपर्टी डीलर के सिर में मारी गोली, घटना सीसीटीवी में कैद। लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में शालू नाम के एक 30 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर को अज्ञात नकाबपोश ने सिर में गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में शालू को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां की उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिस समय ये हमला हुआ, घायल युवक अपने कुत्ते को घुमाने के लिए घर से बाहर आया था। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे नकाबपोश व्यक्ति मौका देकर अचानक जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला रहा है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे एडीसीपी लुधियाना रतन सिंह बराड़ ने बताया। मेरे इतने इंसीडेंट होया है बैट की चक्की के को जड़ा है शालू ना का लड़का है 28-30 साल उम्र है जी। ये अपना कुत्ता घुमा आया सीगा, मेन गली तो यह अपने घर वालू जा रहा है, तो इस एक अनपछाते व्यक्ति ने गोली मारती, जिसकी तलाश जारी है और होपफुली असी उन्होंने जल्दी फड़ लाँगे। ये तो हले सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है भी क्यों गल हुई है की हुई है, क्योंकि हले असी इतने जो सारा वो कर रहे हैं, पर बंदा फड़या जाएगा जी, इन्हों होपफुली फड़या जाएगा। वह हॉस्पिटल से सर्जरी चल रही है, गोली सिर की बैक साइड के उ फायर फायर चल रही है इन्वेस्टिगेशन जी, आ जाएगा लग जाएगा पता सारा क्लीयर हो जाएगा केस। अरे वो भी खंगाल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज असी देख रहे हैं सर।